पेरिफेरल ब्लड स्मियर के फीचर्स बताने जा रहा हूं। तो पेरिफेरल ब्लड स्मियर को हम शॉर्ट में पीबीएस भी कह देते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में स्मियर को रखकर देखते हैं तो हमें आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट टाइप की दिखाई दे सकती है। सबसे पहला स्क्रीन पर आप जो यहाँ इमेज देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल आरबीसी। और इस नॉर्मल आरबीसी की पहचान क्या होगी कि चारों तरफ ये किनारों पे आपको एरिडेमा यानी रेडनेस मिलेगी और बीच में सेंट्रल पैलर, ठीक है। तो सेंट्रल पैलर होगा बीच में और बाकी चारों तरफ आपको रेड कलर नजर आएगा। ये हो गई नॉर्मल आरबीसी। अब वेरिएशन देखते हैं कि नॉर्मल आरबीसी से अलग अलग डिजीज में क्या वेरिएशन मिलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक तरफ तो कुछ रेडिश रेडिश अपीयरेंस है और दूसरी तरफ कुछ ब्लूइश, ये बीच वाला मिक्स है, तो लगभग दो तीन कलर हो गए। तो जब एक ही आरबीसी में मल्टीपल कलर नजर आए तो उसे हम बोलते हैं पॉलीक्रोम एजिया, पॉलीक्रोम एजिया। और ये कहाँ मिलता है, इसमें लार्ज ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये जो ब्लूइश अपीयरेंस है ये रेजिडुअल आरएनए होता है, ठीक है, रेजिडुअल आरएनए। और इसमें आप देखते होंगे कहीं पर भी सेंट्रल पैलर नजर नहीं आ रही है कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ होनी चाहिए बीच में बट यहाँ सेंट्रल पैलर नहीं है। तो ये पॉलीक्रोमेजिया मिलता कहाँ है, तो रैपिड प्रोडक्शन होता हो अगर आरबीसी का, जल्दी जल्दी बन रही है, मौका ही नहीं मिल रहा कलर को ठीक करने का, वहां ऐसा देखने को मिलेगा पॉलीक्रोमेजिया। या फिर बोन मैरो से आरबीसी जल्दी जल्दी रिलीज हो रही है, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, इन तमाम कंडीशंस में पॉलीक्रोमेजिया आप देख सकते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मियर में। एक टर्म होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ये जो बेसोफिलिक स्टिपलिंग है इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल ब्लूइश डॉट आपको दिखाई देंगे, ब्लूइश स्मॉल ब्लूइश डॉट्स आरबीसी में। और ये डॉट है क्या, बाय नेचर दीज आर पॉलीराइबोसोम्स। कहाँ मिलती है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, एक हीमोलाइटिक एनीमिया में, लेड पॉइजनिंग में, ये दो जगह आपको याद रखनी है, या दो कंडीशन कह दीजिए इनको कि हीमोलाइटिक एनीमिया और लेड पॉइजनिंग, इसमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलेगी आपको पेरिफेरल ब्लड स्मियर में। नेक्स्ट है पैपेनहीमर बॉडीज, ये क्या होती हैं, तो जरा इसको फोकस करो इमेज को। पैपेनहीमर बॉडीज की अगर बात करेंगे तो ये ग्रेश इरेगुलर इंक्लूजन है, तो इरेगुलर तो है एक तरफ को, है ना, तो इरेगुलर ग्रेश इरेगुलर इंक्लूजन कहाँ पर है, डब्ल्यूबीसी में कि आरबीसी में, तो पहले ही बता चुका हूं मैं कि ये जो स्मियर है ये आरबीसी का है, इन आरबीसी। और बने किससे होते हैं ये इरेगुलर इंक्लूजन, ये एग्रीगेट्स होते हैं तीन चीजों के, राइबोसोम्स, फेरिटिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल ये कि ये मिलती कहाँ है पेपेनहीमर बॉडीज, पहला हीमोग्लोबिनोपैथीज में मिल सकती है देखने को, दूसरा स्प्लेनिक हाइपोफंक्शन में देखने मिल सकती है, और तीसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिल सकती है, ठीक। नेक्स्ट पीबीएस की बात कर रहे हैं, पीबीएस बोले तो पेरिफेरल ब्लड स्मियर। यहां पर देखो आप अक्सर निशाना लगाने वाले जो सर्कल्स होते हैं बिल्कुल ऐसे तो दिखते हैं, ऐसे किनारा बना होता है,
छल्ले से बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये टारगेट ऐसा लग रहा है ना कि टारगेट है किसी, या तो हम बंदूक से निशाना लगा रहे हैं या फिर तीर से या किसी और चीज से। तो इनका नाम भी इनके शेप अपीयरेंस की वजह से, नॉट शेप, टारगेट आरबीसी पड़ गया। तो टारगेट आरबीसी सेंट्रल राउंड स्टेनिंग पाई जाती है जो उसको कहते हैं। तो सेंट्रल राउंड स्टेनिंग को हम कहते हैं टारगेट आरबीसी। और ये देखने कहाँ मिलेंगी, एक लीवर डिजीज में, दूसरा हिमोलाइटिक एनीमिया में, तीसरा सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ये मोस्ट कॉमन कॉज बता रहा हूं मैं। अब छोटे मोटे कॉज तो फिर बहुत सारे होते हैं, उन्हें याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं होता। दीज आर मोस्ट कॉमन कॉज जहां आप टारगेट आरबीसी देख सकते हो। चौथी हीन्स बॉडीज की बात कर रहे हैं। हीन्स बॉडीज लास्ट में, हीन्स बॉडीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेवरल ग्रे कलर की, दीज आर ग्रे कलर, यहाँ तो ब्लू दिख रहा है आपको ना, बट इसको ग्रे मान लेना, सेवरल ग्रेइश राउंड इंक्लूजन होंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एग्रीगेट ऑफ डिनेचर्ड हीमोग्लोबिन। दीज आर डिनेचर्ड हीमोग्लोबिन। और ये इस तरह की स्ट्रक्चर पेरिफेरल ब्लड स्पियर में किन किन कंडीशन में देखने को मिल सकती है। पहला, ऑक्सीडेटिव इंजरी इन G6PD डेफिशिएंसी या फिर अनस्टेबल हीमोग्लोबिन की कंडीशन। तो ये दो कंडीशन है। पहला क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, ऑक्सीडेटिव इंजरी G6PD डेफिशिएंसी या फिर अनस्टेबल हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारी हॉवेल जॉली बॉडीज, क्या होती हैं? देखो कुछ पर्पलिश इंक्लूजन होते हैं ये, कुछ फ्यू कहा मैंने, ये देखो ऐसे। तो दीज आर फ्यू पर्पलिश इंक्लूजन आरबीसी में पाए जाते हैं। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिडुअल फ्रेगमेंट होते हैं न्यूक्लियाई के जिनमें क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होता है। तो छोटा सा न्यूक्लियस जैसा ही लग रहा है। दो बातें बोली मैंने कि एक तो ये रेजिडियल होते हैं न्यूक्लियाई के, प्लस इनमें कुछ क्रोमेटिन भी होता है। और इस तरह के इंक्लूजन्स का नाम होता है, आरबीसी के अंदर होते हैं ये इंक्लूजन, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर चल रहा है हमारा, होवेल जॉली बॉडीज। अब कंडीशन कौन सी होंगी जिसमें ये मिलेंगे, ये भी तो जानना है। तो कंडीशन होंगी, पहला स्प्लेनिक हाइपोफंक्शन में, दूसरा पोस्ट स्प्लेनेक्टमी में, और तीसरा सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया। ये तीन कंडीशन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्प्लेनिक हाइपोफंक्शन, पोस्ट स्प्लेनेक्टमी और सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया। इन तीन कंडीशन में ये इंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हॉवेल जॉली बॉडीज कहते हैं, और ये पेरिफेरल ब्लड स्मियर ऑफ आरबीसी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिस्टोसाइट्स। शिस्टोसाइट्स तो ये फ्रेगमेंटेड आरबीसी में है ना, एक फ्रेगमेंट आरबीसी का ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक और दो, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेड आरबीसी हेलमेट शेप की है अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये क्या इशारा करती है, ये शियरिंग ऑफ द इरिथ्रोसाइट शो करती है, सर्कुलेशन के अंदर इरिथ्रोसाइट की शियरिंग, शियरिंग ठीक है, जैसे हम लोग शेयरिंग फोर्स पढ़ते थे फिजिक्स में। तो शेयरिंग ऑफ आरबीसी इन द सर्कुलेशन, ये वर्ड मैंने पहली बार यूज किया है, इन द सर्कुलेशन। कंडीशन क्या होंगी जिसकी वजह से ये शिस्टोसाइट्स देखने को मिलती हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया पहली कंडीशन, जिसमें आप गिन सकते हो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, थ्रम्बोटिक थ्रम्बोसाइनोपेटिक परप्यूरा और ह्यूमेलाइटिक
यूरेमिक सिंड्रोम, ये कंडीशंस माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया में काउंट की जाती हैं। दूसरी कंडीशन मैकेनिकल कॉज हो सकता है हिमोलिसिस का कोई भी, उसमें भी ये शिस्टोसाइट्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक वाल्व, ये मैकेनिकल कॉज अपने आप में होता है आरबीसी की शेयरिंग का, प्रोस्थेटिक वाल्व। तो इसमें आप पेरिफेरल ब्लड स्मियर में क्या देखोगे, शिस्टोसाइट्स देखोगे। नेक्स्ट स्फीरोसाइट्स, तो बिल्कुल स्फीयर जैसी हैं, इसमें तो कुछ कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, गोले जैसी हैं एकदम स्फीयर टाइप, ये आरबीसी हैं। इनका सेंट्रल पैलर गायब है, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल पैलर नहीं है जैसा कि नॉर्मल आरबीसी में होता है, और ये स्फेरिकल है। दो ही पॉइंट इसमें नोटिस करने वाले हैं, पहला कि ये स्फेरिकल है, दूसरा सेंट्रल पैलर है नहीं। तो किन कंडीशन में ये मिलेंगी, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में, टॉक्सिन्स ब्लड में पाए जाएंगे उस वक्त ये ऐसे शेप में आ सकती हैं और कलर में, बर्न की कंडीशन में मिल सकती हैं, और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की कंडीशन में मिल सकती हैं। तो चार नाम लिए मैंने, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, टॉक्सिन, बर्न और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। नेक्स्ट टियर ड्रॉप सेल, तो नेक्स्ट है टीयर ड्रॉप सेल्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई ड्रॉप है, क्योंकि शेप भी ऐसे ही है, देखो ऐसे ड्रॉप टाइप, तो पियर शेप्ड है ये, देखने में नाशपाती के जैसी लग रही है सभी लोगों को, नाम टीयर है दिखने में पियर है, अगेन नाम टीयर है देखने में पियर है, तो पियर शेप्ड है, क्या इशारा करती है, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन आरबीसी, आरबीसी पे किसी तरह की मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ये शेप हो गया, और ये कब हुई स्ट्रेस, ड्यूरिंग रिलीज फ्रॉम बोन मैरो, या तो बोन मैरो से रिलीज होने के टाइम पे कोई स्ट्रेस से वास्ता पड़ा और ये टीयर ड्रॉप बन गई, या स्प्लीन के माइक्रो सर्कुलेशन से पास होते टाइम आरबीसी पे कोई स्ट्रेस आ पड़ी और ये टीयर शेप हो गई और नाम टीयर पड़ गया, ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी होंगी, वो जो स्ट्रेस कहलाएंगी, हेरिडिटरी स्फीरोसाइट क्या टीयर ड्रॉप में, थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइलोफाइब्रोसिस और बोन मैरो रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन, इन चार कंडीशन में इस तरह की स्ट्रेस डेवलप हो सकती है कि जो आरबीसी है वो टीयर ड्रॉप बन जाए। नेक्स्ट बर सेल्स या एकिनोसाइट्स, बर सेल्स आर एकिनोसाइट्स, इसमें क्या होता है, स्मूथ अंडुलेशंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पर, ये देखो अंडुलेशंस, ये सरफेस पे प्रेजेंट है स्मूथ अंडुलेशंस, और ये सरकम फेरेंशियली अरेंज है किनारे पे। यूरेमिया की कंडीशन में देखने को मिल सकती है यूरेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट स्पर सेल्स, एकेंथोसाइट्स भी कह सकते हैं इसको, दूसरा नाम है एकेंथोसाइट्स, पहला नाम है स्पर सेल्स, और अकेंथो मतलब कांटे जैसे उभार, आप इसकी सरफेस पे देख सकते हो कितने नुकीले नुकीले उभार हैं, हाय दैया हायरी मोरी मैया कैसे उभार हैं, नुकीले नुकीले स्पर सेल्स तभी तो कहला रही है मैया, तो स्पाइनी पॉइंट प्रेजेंट है सरफेस पर सरकमफेरेंशियली, क्या शो करते हैं ये, नॉर्मल लिपिड कंपोजिशन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, ये रिफ्लेक्शन है आरबीसी मेम्ब्रेन पर नॉर्मल लिपिड कंपोजिशन के, जो नुकीलो नुकीलो उभार है। कंडीशन क्या होंगी जिसमें ये मिलेंगे देखने, पेरिफेरल ब्लड स्मियर में, लीवर डिजीज हो सकती है, आरबीसी लैकिंग ब्लड ग्रुप एंटीजन, उसमें ये देखने मिल सकती है, तो दो कंडीशन काफी है, ठीक है, आरबीसी लैकिंग कैल ब्लड ग्रुप एंटीजन और लीवर डिजीज, जिसमें ये एकेंथोसाइट्स या स्पर सेल्स
हाय दैया, मिल सकती है देखने, इसमें नुकीले नुकीले उभार हैं यार। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट फीचर ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मियर। थैंक यू।